हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कुछ ट्रांसलेशन का रिवीजन हो जाए, इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन। मैं साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले आपको टेंसेस की नॉलेज की बड़ी ज़रूरत है, जिससे हम ट्रांसलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ट्रांसलेशन है प्लस वन प्लस टू के स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द गेस्ट विल टेक फूड एट होम। विल टेक, विल और फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, याद रखना। तो रहे सन, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, खा रहे, ठीक है, ये भी क्लैरिटी नहीं इसमें। और मेहमान रोटी, घर ही खान, ये इंपेरेटिव है, प्रेजेंट में कमांड दे रहा हो, तो इसका मतलब ये भी नहीं है फ्यूचर इंडेफिनिट। खानगे, गागे, गी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। तो मेहमान घर विच ही खाना खानगे, द गेस्ट विल टेक फूड एट होम ओनली, तो ये वाला ए सही है। ओनली के लिए सिर्फ भी लग सकता है कि कर, मतलब गेस्ट खाना घर ही खानगे, घर विच ही खानगे, राइट। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आप लोगों को। शी फॉरगॉट हर पर्स एट होम। फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट है। ये सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट का है। आ ए ई इसके सामने होना चाहिए, इसमें एंड में। तो गई है गलत है, जाएगी यानी कि फ्यूचर है ये भी गलत है, रही है ये भी गलत है, यानी कि सिर्फ पहचान देख के हमने तीन को क्रॉस कर दिया। तो गई, आ ए ई आ गया, ओ अपना पर्स घर भूल गई, शी फॉरगॉट हर पर्स एट होम, और ये आंसर है। इस तरह से अगर टेंस को हिंदी में या पंजाबी में भी उसकी क्या पहचान है अगर आपको पता है तो उससे आप इजीली जज कर पाते हो उसके ट्रांसलेशन। तो यू आर राइट, यू आर में तुम है और ये वर्ब है और ये राइट ऑब्जेक्ट के तौर पर हम ले लेंगे। तो मैं ठीक हाँ, ये गलत है। असी ठीक हाँ, वी आना चाहिए, मैं के लिए आई आना चाहिए था, ये भी गलत है। तुसी ठीक हो, यू आना चाहिए, तुसी ठीक, सी इतने सी है, तो सी के लिए वर आना चाहिए था, यू आर राइट। तो यहाँ पे है तुसी ठीक हो, तो यू आर राइट। आगे चलते हैं। डिड ही टॉक अबाउट मी, क्या उसने मेरे बारे में बात की, कि उसने मेरे बारे जिक्र किया। तो डिड ही टॉक, ये पास्ट इंडेफिनिट है, डिड स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन है, कि करदा है गलत है, कर रहा है गलत है, कर रहा ये भी गलत है, कीता ये सही है। सो डिड ही टॉक अबाउट मी, कि उसने मेरे बारे या मेरा जिक्र कीता, मेरे बारे गल कीती। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, कि तुसी क्रिकेट खेल रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और क्वेश्चन है, हैड आर आगे आगे, तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तुसी क्रिकेट खेल रहे हो, फिर आता यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये गलत है, क्वेश्चन नहीं है इसमें। तुसी क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और जिथे क्वेश्चन मार्क भी गलत लगाया है, कि तुसी क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, ठीक है, तो ये सही है, पर इतने नॉट नहीं लगा है, यदा मतलब ये भी गलत है, कि तुसी क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। ही इज नॉट अ राइटर, वो लेखक नहीं है, सिंपल है, वो लेखक नहीं है। सी है गलत है, वो एक लेखक है, नोट नहीं ये गलत है, वो लेखक नहीं ये गलत है, इसका मतलब जो बच गया वो सही है। टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार हुंदे हन, हुंदे हन, कि अब इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन लगा है, नहीं लगा है, तो ये क्वेश्चन वाला गलत है, सन वाला गलत है, और पांच हुंदे हन ये भी गलत है, फोर है ना, बच गया है। इस तरीके नाल तुसी जदों पूरी ट्रांसलेशन ना भी कर पाओ तां भी तुसी जज कर सकते हो, याद रखना इस गल नूं। हू हैज़ रिटन दिस पोएम, हू हैज़ रिटन दिस पोएम, दिस पोएम, ये कविता किसने लिखी है, ये कवि कौन है, तो जबकि कविता की गल हुई तो ये गलत है, ये कविता किस कवि ने लिखी है, ये कविता किस कवि ने लिखी है, तो कवि मतलब पोएट, पोएट शब्द इत्थे है नहीं, ये गलत है, कोई भी नहीं ये गलत है, बी वाला सही। हू हैज़ रिटन, ये कविता किसने लिखी है। विल शी प्रिपेयर टी फॉर अस, कि वो साडे लई चाह बनावेगी, सिंपल है,
फ्यूचर्स विल पहला और प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म आ गया, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनेट है, सकती है बना सकती है गलत है, कीती है गलत है, बनावेगी कि वो साडे लई चाह, कि वो साडे लई चाह बनावेगी, विल शी प्रिपेयर टी फॉर अस, तो सिर्फ ए है आएगा, वो साडे लई चाह बनावेगी ए भी नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है। वी शुड गो फॉर अ वॉक डेली, सानू हमें रोज़ाना सैर के लिए जाना चाहिए या हमें रोज़ाना सैर करना चाहिए, सानू रोज़ सैर करनी चाहिदी है, सानू रोज़ सैर करनी चाहिदी है, सानू रोज़ सैर करनी चाहिदी है, रिपीट हो गया राइट, सो वी शुड करनी चाहिए है ना, तो ये आएगा शुड जहाँ पर चाहिदी है, सानू सैर करनी चाहिदी है, रोज़ वाला शब्द यहाँ पर गायब है, रोज़ सैर करनी चाहिदी है सानू वाली शब्द इस विच गायब है क्योंकि वी भी है, सानू रोज़ सैर करनी चाहिदी है ये बिल्कुल सही है, सानू रोज़ सैर करनी चाहिदी है ये भी सही है, यहाँ पे मतलब ऑप्शन में प्रॉब्लम आया है, नहीं आनी चाहिए थी यहाँ पे लिख देते तो कोई बात नहीं, ऐसे ऑप्शन आए तो आप टीचर को कह के वहाँ पे करेक्शन करवा सकते हो, इसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। कि तुसी मैनू नज़रअंदाज कर रहे हो, आर यू अवॉइडिंग मी, कि तुसी मैनू नज़रअंदाज कर रहे हो, आर यू अवॉइडिंग मी, आर यू ट्राइंग टू, कोशिश कर रहे हो नहीं इतनी, विल यू अवॉइड मी फ्यूचर हो गया, कैन शी अवॉइड मी, तो शी है तुसी नहीं है ये, आर यू अवॉइडिंग मी, कि तुसी अवॉइड कर रहे हो, मैं परसों नवी कार खरीदूंगा, मैं परसों नवी कार खरीदी, बॉट आ गया, आई बॉट अ न्यू कार द डे बिफोर यस्टरडे, पिछले दिन का पिछला दिन जोड़ा होगा डे बिफोर यस्टरडे होगा, पिछला दिन यस्टरडे और उस तो एक दिन पहला डे बिफोर, तो डे बिफोर यस्टरडे जिस आ गया, देखो टुमारो तो आने वाला है गलत है ये भी गलत है, और यस्टरडे गलत है क्योंकि इतने डे बिफोर यस्टरडे आना चाहिए सीगा, ये इन्ना ही चेक करना है तो फिर ये वाला सही है, आई बॉट अ न्यू कार डे बिफोर यस्टरडे, कि तुसी कल उत्थे गए, डिड यू गो देयर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल, वेयर वर यू गो, ये भी गलत है, वर यू गो, वर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा, विल यू ये भी नहीं है, डू यू ये भी प्रेजेंट आ गया, और डू यू गो देयर यस्टरडे, डिड यू गो आना चाहिए था ये भी है क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट इंट्रोड्यूस कर दिया डिड लगा डू लगाकर, जबकि डिड आना चाहिए था पास्ट है, कि तुसी कल उत्थे गए, डिड यू गो देयर यस्टरडे, देयर यस्टरडे, वो मेरा मजाक उड़ा रहा सी, रहा सी यानी कि पास्ट कंटिन्यूस, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और उससे पहले वाज वर, तो अगर वो है तो ही के साथ वाज लग गया, ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, ही हैज बीन मेकिंग फन ऑफ मी, तो ये नहीं आएगा, ही इज मेकिंग ये प्रेजेंट है और ही विल बी ए फ्यूचर है, ये इसलिए नहीं आएगा कि इसमें टाइम नहीं है, ही हैज बीन मेकिंग फन ऑफ मी, तो ये इसमें कुछ और ऐड करते हैं फिर जाके ये सही होता, तो ही वॉज वो उड़ा रहा है ही वॉज, और ये साथ में दूसरी बात है कि ये प्रेजेंट है ही हैज बिन, जिसके हमें चाहिए सी। अगला प्रश्न है कि तुसी धुप बैठे हो, धुप्पे बैठे हो राइट, आर यू सिटिंग इन द सन, तो ये प्रेजेंट हो गया, तो वर नहीं आएगा कि तुसी है तो इज नहीं आएगा और फ्यूचर नहीं आएगा, तो रह गया ये आर यू सिटिंग इन द सन। बच्चा रो नहीं रहा सी, द चाइल्ड वॉज नॉट क्राइंग, रहा सी है ना, नॉट क्राइंग राइट, द चिल्ड्रन वर नॉट क्राइंग, ये भी गलत है, ये भी गलत है, द चाइल्ड वॉज नॉट क्राइंग राइट, असी अपना चौगिरदा साफ रखेंगे, वी विल हैव टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपना आवर सराउंडिंग्स होगा ना, वी शल कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन राइट, असी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हाँ, वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स, वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स करते हाँ, मैं बेईमान नहीं, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट राइट, कि तुसी निराश नहीं, मैं तुहानू निराश नहीं करांगा, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, आई विल नॉट, फ्यूचर आ गया, परमात्मा विच भरोसा रखो, ट्रस्ट इन द गॉड या ट्रस्ट इन गॉड, तुसी मैनू पसंद नहीं करते, यू डोंट लाइक मी, कि वो थोड़े लिए चाह बनावेगी, विल शी प्रिपेयर टी फॉर यू, और कि वो साढ़े लिए चाह बनावेगी, विल शी प्रिपेयर टी फॉर अस,
असी अपनी गलती का एहसास नहीं किया है, वी हैव नॉट रियलाइज्ड आवर मिस्टेक। सच कौड़ा हुंदा है, ट्रुथ टेस्ट बिटर, और समटाइम्स वी से ट्रुथ इज बिटर, तो ट्रुथ टेस्ट बिटर यहाँ पे है, तो ये सही ऑप्शन है हमारा। सो विद दिस दिस ट्रांसलेशन सेशन एंड्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट राइट एंड टेल मी। टिल देन टेक केयर, वी थैंक पढ़ो पंजाब, पढ़ाओ पंजाब टीम ऑल्सो, इंग्लिश टीम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।